हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए बीवाईडी के शोरूम पे और हमारे पास है बीवाईडी की ई सीट। बीवाईडी में केवल अपने को दो ही कार देखने के लिए मिलती है, एक मिलती है एटो 3 और एक मिलती है E6, और दोनों कार केवल अपने को इलेक्ट्रिक ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल है। बीवाईडी में कोई भी आपको पेट्रोल और डीजल का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, और इसमें जो बैटरी यूज़ करती है वो अपने को ब्लैक टेक्नोलॉजी वाली बैटरी यूज़ की जाती है। इसके शोरूम की डिज़ाइन भी देखेंगे तो आप ये देखिए, अपने को ब्लेड टेक्नोलॉजी की जैसी इसमें डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगी। और आज जो हम शोरूम पे आए हैं वो देखिए स्काई शोरूम है बीवाईडी का। बात करते हैं इसकी E6 की, तो ये देखिए अपने को इसमें केवल अपने को एक ही बैटरी ऑप्शन मिलता है, वो है इसका 72 किलोवाट का। और एग्जैक्ट बात करें तो 71.7 किलोवाट की बैटरी मिलती है अपने को इसमें। और इसकी रेंज की बात करें तो 520 किलोमीटर की अपने को इसमें रेंज देखने के लिए मिलती है। बाकी ड्राइवर टू ड्राइवर डिपेंड करती है रेंज, अगर आप ज़्यादा खींचते हैं गाड़ी को तो उसमें अपने को रेंज कम देखने के लिए मिलेगी, अगर आप सॉफ्ट ड्राइवर हैं तो अपने को रेंज इसमें सही मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी एग्जैक्ट। और इसके डायमेंशंस की बात करें तो ये देखिए अपने को 1810 mm अपने को इसकी विड्थ देखने के लिए मिलती है, ये देखिए। और लेंथ की बात करें तो ये देखिए अपने को 4695 mm अपने को इसकी लेंथ मिल जाती है। और हाइट की बात करें तो ये देखिए अपने को 1610 mm अपने को इसकी हाइट देखने के लिए मिलती है, ये देखिए। चलिए इसके फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं और देखते हैं अपने को बीवाईडी की E6 में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। और इसकी प्राइस की बात करें तो 29.15 लाख एक्स शोरूम प्राइस है इसकी, ये देखिए। और ये जो कार अपने को मिलती है इसकी MUV सेगमेंट में आती है, और SUV सेगमेंट में मिलती है अपने को इसकी एटो 3, ये देखिए। चलिए इसके फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं और देखते हैं अपने को इसमें क्या क्या मिलता है। ये देखिए अपने को ब्लू इंसर्ट में बीवाईडी का लोगो मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर बीवाईडी लिखा हुआ मिलता है अपने को इसमें। और फ्रंट ग्रिल में अपने को क्रोम देखने के लिए मिलेगा, एकदम डिसेंट क्रोम मिलता है अपने को इसमें, कोई ना तो ज़्यादा वाइड मिलता है ना ज़्यादा थिन मिलता है, ये देखिए एकदम डिसेंट क्रोम देखने के लिए मिलता है जो कि इसके फ्रंट फेस को कवर करता है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड की हेडलाइट से लेकर राइट हैंड साइड की हेडलाइट तक पूरा फ्रंट फेस कवर करता है ये। और यहाँ पर अपने को इसकी हेडलाइट मिलती है, ये देखिए। लो बीम के लिए प्रोजेक्टर मिलता है, ये अपने को LED मिलता है। और यहाँ पर मिलता है हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस, और ये हैलोजन मिलती है। यहाँ पर अपने को इसका टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, और यहीं पर अपने को इसकी DRL देखने के लिए मिलती है, ये देखिए। और ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका बम्पर, यहाँ पर बीच में अपने को ब्लैक कलर के इंसर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये देखिए ऐसी कुछ मिलती है अपने को इसकी ग्रिल, ये देखिए यहाँ पे नंबर प्लेट मिल जाती है। ऐसा कुछ मिलता है इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। और फ्रंट विंडशील्ड की बात करें तो ये देखिए अपने को दो वाइपर्स देखने के लिए मिलेंगे इस पे, एरोटूंस वाइपर मिलते हैं इसमें। और इसमें अपने को कोई भी एडास वगैरह नहीं मिलता, एडास वगैरह केवल अपने को इसकी एटो 3 में देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं इसके राइट हैंड साइड प्रोफाइल पे और चेक करते हैं इसका राइट हैंड साइड प्रोफाइल कुछ मिलता है अपने को इसका लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल। इसकी लेंथ की बात करें तो 4695 mm अपने को इसकी लेंथ देखने के लिए मिलती है। इसके स्टार्ट करते हैं इसके व्हील से, ये देखिए अपने को अलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं इसमें। और फ्रंट व्हील्स में अपने को वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं, और रियर में अपने को डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ऑल फोर व्हील्स में अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। व्हील के प्रोफाइल की बात करें तो ये देखिए अपने को 215/55 R17 17 इंच का व्हील देखने के लिए मिलता है, और इसकी विड्थ भी अपने को काफ़ी सही मिलती है, ये देखिए। और 170 mm का अपने को इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, ये देखिए। और ये सब कुछ मिलता है इसका ORVM जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है, और फोल्ड अनफोल्ड भी इसी से हो जाता है, इलेक्ट्रिकली अनफोल्ड भी हो जाता है। यहाँ पे अपने को इसका टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, और बॉडी कलर ही अपने को इसमें डोर हैंडल देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, और यहाँ पर ये देखिए क्रोम का इंसर्ट मिलता है जो कि पूरे साइड को कवर करता है, पूरी ग्लास विंडो को कवर करता है आगे से लेके पीछे तक, ये देखिए। और यहाँ पे स्पेस की बेजिंग मिल जाएगी आपको, और रूफ पे अपने को कोई भी रूफ रेल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे और चेक करते हैं इसका रियर प्रोफाइल। ये देखिए ऐसा कुछ मिलता है अपने इसका रियर प्रोफाइल। इसके रूफ से स्टार्ट करते हैं, रूफ पर अपने को इसका शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है, ये देखिए। और यहाँ पर मिलता है अपने को इसका स्पॉइलर, इसी में अपने को हाई माउंट स्टॉप लैंप इंटीग्रेटेड मिलता है। रियर विंडशील्ड की बात करें तो ये देखिए अपने को वाइपर, वॉशर और डिफोकर तीनों चीज देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे बीवाईडी का लोगो मिल जाता है, पीछे अपने को ब्लू कलर का इंसर्ट देखने के लिए मिल जाता है, ये देखिए। और यहाँ पर अपने को क्रोम देखने के लिए मिलता है जो कि इसकी पूरा रियर को रियर प्रोफाइल को कवर करता है, ये देखिए टेल लाइट से लेकर लेफ्ट हैंड साइड की टेल लाइट तक कवर करता है ये। और टेल लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर अपने को इसकी LED टेल लाइट्स देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे अपने को टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे रिवर्स लैम्प, और ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका रियर बम्पर, ये देखिए डुअल टोन देखने के लिए मिलता है। बॉडी कलर प्लस अपने को मैट फिनिश में मिल जाता है, इसी में अपने को ये देखिए रिफ्लेक्टर इंटीग्रेटेड मिलते हैं दो। और ये देखिए यहाँ पर अपने को बम्पर पे 4-point parking सेंसर मिल जाते हैं। EV6 की बेजिंग मिल जाती है E6 की, ये देखिए।
और यहाँ पे अपने को इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, ये देखिए। और यहाँ पे अपने को रिवर्स सेंसर मिलता है, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे इसका बूट अनलॉक हो जाएगा, ये देखिए। और 580 लीटर का 580 लीटर्स का अपने को इसमें बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, ये देखिए। आप इसको रफ एंड टफ यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा सामान आप इसमें कैरी कर सकते हैं, ये देखिए। और बूट में अपने को लैम्प मिल जाता है, एकदम फ्लैट बूट देखने के लिए मिलता है अपने को इसमें, ताकि आप अपना सामान काफी आसानी से इसमें रख सकें और निकाल सकें, ये देखिए। और यहाँ पे बूट को बंद करने के लिए ग्रैब हैंडल मिलता है, इसको बंद कर देते हैं। और अब देखते हैं इसका राइट हैंड साइड का प्रोफाइल, और ये देखिए ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका राइट हैंड साइड प्रोफाइल, जो कि सेम है लेफ्ट हैंड साइड की। जैसे बस यहाँ पर अपने को इसका चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, ये देखिए, यहाँ पर अपने को इसका चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। यहाँ से आप इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं, और 8 से 10 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है, ये देखिए। और काफी लार्ज साइज के विंडो अवेलेबल है, क्वार्टर ग्लास भी देखिए अपने को कितना बड़ा देखने के लिए मिलता है इसमें। यहाँ पे स्पेस की बेसिक मिल जाती है, और ड्राइवर साइड डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलता है, ये देखिए। इसी से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं कार को। अब देखते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर, देखिए ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका ड्राइवर साइड डोर। इस पे अपने को सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलता है, लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है, व्हाइट कलर की स्टिचिंग मिल जाती है, ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाती है, ये देखिए। क्योंकि ऑटो डाउन और ऑटो अप अवेलेबल नहीं है इसमें, और केवल ऑटो डाउन के साथ अवेलेबल है इसकी ऑल 4 पावर विंडोज। ये पावर विंडोज को लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाता है, ये देखिए, डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए। और ये ORVM के इलेक्ट्रिकली एडजस्ट मिल जाते हैं फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, ये देखिए। और यहाँ पर मिलता है अपने को इसका बोतल होल्डर, स्टोरेज स्पेस और स्पीकर मिल जाता है। टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स की बात करें तो अपने को इसमें 4 मिलते हैं, ये देखिए। और ऐसी कुछ मिलती है अपने को इसकी ड्राइवर साइड सीट, सीट पे अपने को लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है, ये देखिए। वेंटिलेटेड सीट अपने पास अवेलेबल नहीं है इसमें, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और सीट के एडजस्टमेंट की बात करें तो ये देखिए, आप सीट को मैनुअली रिक्लाइन के लिए और हाइट के लिए दोनों एडजस्टमेंट अवेलेबल है इसमें। लंबर सपोर्ट मिल जाता है इसमें, ये देखिए। हाइट एडजस्टमेंट भी आप इसे कर सकते हैं। और यहाँ पर मिलता है अपने को इसका हेडलाइट लेवलर, ये देखिए। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं इसका इंटीरियर, और ये देखिए ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका स्टीयरिंग व्हील, डी कट स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा अपने को इसमें। BYD की बेजिंग मिल जाती है, एयरबैग की बेजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर अपने को इसके ये देखिए इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलती है। आप देखते हैं अपने को इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये देखिए अपने को राइट हैंड साइड स्पीडोमीटर मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड इसका RPM मीटर मिल जाता है, बीच में अपने को इसकी MID मिलती है, ये देखिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है अपने को इसमें, टोटल किलोमीटर ड्रीवन, ट्रिप ए, ट्रिप बी, बैटरी कितनी परसेंटेज चार्ज है, टोटल किलोमीटर ड्रीवन, टाइम, टेम्परेचर, अपने को सारी इन्फॉर्मेशन इसमें शो हो जाती है, ये देखिए। और स्टीयरिंग पे अपने को कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे अपने को ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, फ्रंट और रियर वाइपर के, और लेफ्ट टेंट साइड मिलता है अपने को इसका, ये देखिए हेडलाइट के कंट्रोल्स। आप देखते हैं इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये देखिए यहाँ पर अपने को 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और ये सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को। और इसका AC भी आप इसी से कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखिए। आप होम पे जाएंगे, यहाँ पर अपने को इसके AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, स्पीड वगैरह आप इसी से ही कम ज्यादा कर सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह, ये देखिए। सेटिंग का ऑप्शन भी अपने को इसी में मिल जाता है, ये देखिए, कार व्हीकल सेटिंग वगैरह, आप इसमें काफी सारी सेटिंग्स मिल जाती है अपने को इसमें, ये देखिए। अब इसको बैक कर देते हैं, और इसको आप मैन्युअली ये देखिए रोटेट भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों काम करता है ये देखिए। लेकिन मैन्युअली मिलता है, 803 में आपको ऑटोमेटिक मिलता है, उसमें आपको यहाँ पे एक स्विच मिलता है, जिसे आप इसको प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिक ही ये देखिए चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें भी मैन्युअली मिलता है, ये भी काफी सही है, ये देखिए। और इसमें अपने को 10 इंच का मिलता है, उसमें अपने को 12.8 इंच का देखने के लिए मिलता है। और प्रीमियम इंटीरियर मिलता है अपने को BYD कार में, ये देखिए, यहाँ पर अपने को पियानो फिनिश में देखने के लिए, पियानो ब्लैक में देखने के लिए मिलता है इंसर्ट। और यहाँ पे अपने को हार्ड प्लास्टिक मिलता है, एकदम नीट एंड क्लीन मिलता है अपने को इसका इंटीरियर, ये देखिए। और यहाँ पे मिलता है इसका ग्लव बॉक्स, ये देखिए, काफी लार्ज साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इसमें आप काफी सामान रख सकते हैं। यहाँ पे AC के वेंट्स, और ये देखिए बिल्ड योर ड्रीम BYD के फुल फॉर्म मिल जाती है। AC के वेंट के चारों तरफ अपने को सिल्वर कलर की फिनिश मिल जाती है, और यहाँ से आप AC को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं AC वेंट्स को, ये देखिए। और यहाँ पे अपने को इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे अपने को फोन वगैरह रखने, कोई भी वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल नहीं है इसमें, ये देखिए। और यहाँ पे इको मोड, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के लिए, ये देखिए, हिल होल्ड वगैरह के फीचर्स अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे मिलता है अपने को इसका, ये देखिए, हजार लाइट का स्विच, और यहाँ पे अपने को वॉल्यूम की नो मिलती है, ये देखिए, आप वॉल्यूम इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी काफी सही है। और यहाँ पे मिलता है अपने को इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, ये देखिए,
रिवर्स न्यूट्रल और ड्राइव मोड। इसमें और कोई एक्स्ट्रा मोड देखने के लिए नहीं मिलता अपने को। इसमें यहाँ पे पार्किंग का मोड मिल जाता है, ये देखिए स्टोरेज स्पेस, दो कप होल्डर, और यहाँ पे मिलता अपने को इसका आर्म रेस्ट, ये देखिए। इस पे भी लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता अपने को, और इसी में ही अपने को ये देखिए दो दो यूएसबी पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं टाइप है, और यहाँ पर अपने को ये देखिए इसका 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, ये देखिए। इसको बंद कर देते हैं और देखते हैं इसके सनसेट वगैरह, ये देखिए यहाँ पे अपने को इसका सनसेट मिल जाता है। कोई भी इस पे अपने को लाइट वगैरह नहीं मिलती, केवल वैनिटी मिरर मिल जाता है, ये देखिए। ये देखिए यहाँ पर अपने को इसका मैनुअल IRVM देखने के लिए मिलता है, ऑटोमेटिक इसमें नहीं मिलता है। आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं डे नाइट के लिए। यहाँ पे अपने को सेंटर में इसकी लाइट मिल जाती है, केबिन लाइट, LED मिलती है, और यहाँ पे मिलता है इसका को पैसेंजर सनसेट, ये देखिए। इसमें अपने को वैनिटी मिरर मिल जाता है, और एयरबैग की वार्निंग मिल जाती है, ये देखिए। और इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो अपने को इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लगभग ABS, EBD, फ्रंट ऑल फोर व्हील्स में डिस्क ब्रेक, फ्रंट व्हील्स में अपने को वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं, चार एयरबैग मिल जाते हैं, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे शो रही होगी। और स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें तो ये देखिए स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट अवेलेबल है स्टीयरिंग में, ये देखिए। और इस सीट को मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ, फिर चेक करते हैं इसका रियर सीट स्पेस और कंफर्ट। सीट केवल आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इसमें। ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका रियर डोर, काफी लार्ज साइज का डोर अवेलेबल है इसमें, ये देखिए। यहाँ पे पियानो ब्लैक में इंसर्ट मिलता है, डोर को ओपन करने के लिए लेवर मिल जाता है सिल्वर फिनिश में, पावर विंडो का स्विच विथ ऑटो डाउन अवेलेबल है, ये देखिए। इसके चारों तरफ अपने को सिल्वर कलर का इंसर्ट मिल जाता है। डोर पे अपने को सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलता है, ये देखिए ब्लैक कलर में, और यहाँ पे अपने को इसका बोतल होल्डर मिलता है, स्पीकर मिल जाता है, और स्टोरेज स्पेस। आप देखते हैं इसकी सीट, ये देखिए ऐसी कुछ मिलती है अपने को इसकी सेकंड रो। सेकंड रो पे भी आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है, और काफी सॉफ्ट सीट मिल जाती है अपने को इसमें, ये देखिए। और स्पेस देखिए आप कितना अच्छा अवेलेबल है। ये फ्रंट वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, और मेरी हाइट 6 फीट है। सीट में भी आपको एयरबैग मिलता है, ये देखिए। स्पेस काफी अच्छा अवेलेबल है इसमें, और टेनू एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं अपने को इसमें, और काफी लार्ज साइज के हेडरेस्ट मिलते हैं। आप बैठते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं इसका स्पेस, और ये देखिए फ्रंट वाली सीट जो दोनों है ये थोड़ी स्कूप की गई है ताकि आपको लेग रूम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल सके, ये देखिए। और लेग रूम की बात करें तो ये देखिए बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल है मेरे पास इसमें, स्पेस की सेकंड रो में कोई भी कमी नहीं है इसमें। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी यार काफी अच्छा है, ये देखिए 3 से 4 इंच का मेरे को इसमें हेडरूम मिल रहा है, जहाँ पे रियर एसी वेंट मिल जाता है, और USB पोर्ट मिल जाते हैं दो दो, ये देखिए। माइक्रो ए USB पोर्ट देखने के लिए मिलते हैं, टाइप सी वगैरह अवेलेबल नहीं है इसमें। ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका इंटीरियर, ये देखिए। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।